शामिल कांग्रेस और एनसीपी दोनों नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। गठबंधन सरकार बनने के बाद पहला अवसर है जब किसी मुद्दे पर मतभेद सामने आया है। भाजपा के एक और संसदीय दल जनता दलू में इस विधेयक को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर के बाद अब पवन वर्मा भी नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सड़कों से संसद पर विरोध के बीच इस लोकसभा में बड़े अंतर से पास कर दिया गया और अब ये विधेयक कल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है जहां सरकार अल्पमत में है। लेकिन अल्पमत में होने के बावजूद उसने 3 तलाक बिल को पास करा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमरीकी आयोग ने कहा है कि नागरिक संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया खतरनाक कदम है और यदि ये भारत की संसद में पारित होता है तो भारत की मुख्यमंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयोग का बयान न तो सही है और न ही बातचीत है। मंत्रालय ने कहा कि आयोग मुद्दे पर हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता नहीं छीनता। आपको बता दें कि यदि ये बिल बन गया तो भारत में रह रहे पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को कथित रूप से उत्पीड़न का शिकार हुए हैं भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारत के सचिव कश्मीर में मार्च का दिवस पर आगमन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सचिव को संगठन की भारत के सचिव कश्मीर में मानव दिवस अवसर पर अगर स्थानीय मानव अधिकार समितियों ने प्रदर्शनों का आह्वान किया था परंतु प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। एपीजेपी एक ऐसा संगठन है जो इन सचिवों के लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अनुसार वो उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो वर्षा वर्ष जेल में बचाए हैं या फाइल कर हो गए हैं। उन्होंने श्रीनगर की चौकानी में एक प्रदर्शनी का आवेदन रखा था परंतु प्रशासन ने उसकी अनुमति न दी। श्रीनगर में किताब पर एक आम बंद के कारण सामान्य जनजीवन व्यस्त रहा और काफी के तमाम मार्ग सुनसान नजर आ रहे थे। सड़क सेवा लाइन क्षेत्रों में काफी बेताबी नजर आ रहा था। कश्मीर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा इसलिए बढ़ाई ताकि कोई अफवाह न कर सके, परंतु स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आए दिवस जो प्रतिदिन घोषित किया जाता है वो मानव अधिकार का सबको बड़ा प्रतिदिन सहित जितने भी स्थानों मानव अधिकार संगठन है उन्होंने विश्वभर के तमाम मानव अधिकार संगठनों का आह्वान किया है तो हम इसका नोट उन्होंने कहा कि